तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम बात करते हैं वत्सल्य योजना के बारे में कि ये कहा जा रहा है, ये न्यूज सामने है जिसमें कहा जा रहा है कि वत्सल्य योजना की शुरुआत बच्चों के लिए खोले जा सकेंगे खाते। कि ये देखते हैं इस वीडियो में कि आखिरकार वत्सल्य योजना है क्या और किस चीज से रिलेटेड ये जो है वो बातें कर रही है और बच्चों के लिए खोले जा सकेंगे खाते तो बच्चों को किस तरीके का लाभ होने वाला है, माता पिता क्या करेंगे बच्चों के लिए, तो ये भी चीजें हम इसमें देखते हैं। कि वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने जो NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत की जिसमें माता पिता को पेंशन खाते में निवेश कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने की सुविधा दी गई है। और यह भी कहा जा रहा है कि माता पिता ऑनलाइन या बैंक या डाकघर जाकर NPS वात्सल्य योजना का हिस्सा बन सकते हैं। और वात्सल्य खाता खोलने के लिए न्यूनतम योगदान सिर्फ 1,000 रुपये है, जिसके बाद अंशधारकों को सालाना 1,000 रुपये का योगदान करना होगा और राष्ट्रीय खातों में निकासी के निर्देशों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है, सीतारमण जी ने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम में NPS वात्सल्य योजना को शुरू करते हुए कहा कि इस पेंशन व्यवस्था ने बहुत प्रतिस्पर्धी रिटर्न दिया है और यह भविष्य की आय सुनिश्चित करते हुए लोगों को बचत का विकल्प भी मुहैया कराती है। और पिछले 10 वर्षों में NPS के 1.86 करोड़ ग्राहकों हो चुके हैं और प्प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियां 13 लाख करोड़ रुपए है। और NPS वत्सल्य योजना पहले ही चली आ रही है और NPS योजना का बच्चों तक किया गया विस्तार है और इसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खाता खोला जा सकता है और जो उनके 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर अपने आप नियमित NPS खाते में परिवर्तित हो जाएगा। हालांकि NPS वत्सल्य योजना के तहत खोले गए खाते में केवल पेंशन केवल 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही हो जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन थी वत्सल्य योजना की जो कि आपकी इस न्यूज़ में करंट अफेयर एज आई है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जो बच्चा चैनल पर नया आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।